बाकी मुंबई की हवा इन दिनों दिल्ली से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। बीते दिनों में मुंबई का एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। घने स्मॉग और उड़ती धूल के चलते लोगों को सांस लेना भी दूभर हो गया है। आखिर क्यों बढ़ रहा है मुंबई में वायु प्रदूषण का स्तर, क्या है वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई वायु प्रदूषण की गिरफ्त में है। घने स्मॉग के बीच जहरीली हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में मुंबई ने दिल्ली को भी पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के लिए AQI के लेवल का 315 पर पहुंचना खतरे की घंटी है। ये सेहत के लिए घातक है। मुंबई में सुबह घने स्मॉग के चलते विजिबिलिटी 50 मीटर पर सिमट गई है। मुंबई में एयर क्वालिटी के बहुत खराब लेवल पर पहुंचने के कारणों को जानना जरूरी है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जो कमजोर होने के चलते हवा में प्रदूषण फैलाने वाले कणों को हटाने में नाकाम साबित हो रही हैं। जबकि मुंबई का AQI समुद्र से बहने वाली हवाओं से निर्धारित होता है, वहीं मुंबई में चल रहे मेट्रो और कोस्टल रोड प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन वर्क को भी प्रदूषण की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। इसके अलावा मिट्टी के खनन और लिफ्टिंग वर्क भी मुंबई के वातावरण में धूल फैला रहे हैं। खासकर इससे डस्ट पार्टिकुलेट मैटर्स लोगों के लिए खतरा बन रहा है। धीमी हवा खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर को हटा नहीं पा रही है, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। हालांकि BMC का कहना है कि इस प्रदूषण की वजह पेट्रोलियम रिफाइनरीज हैं, लेकिन सवाल उठता है कि ये रिफाइनरीज तो साल भर चलती हैं, फिर प्रदूषण अभी क्यों बढ़ा है? कहीं BMC बढ़ते प्रदूषण से पल्ला तो झाड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, ये भी एक अहम सवाल है। खराब AQI से होने वाले खतरों की बात करें तो अस्थमा रोगियों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। लंबे समय तक PM2.5 की चपेट में आने वाले व्यक्ति को फेफड़े के कैंसर की आशंका बढ़ जाती है। एयर पॉल्यूशन हार्ट और मस्तिष्क से जुड़ी गंभीर बीमारियों की वजह बनता है। वहीं इससे बच्चों में निमोनिया का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन की चपेट में आने से बार बार सर्दी होना, सांस लेने में दिक्कत आना, आंखों में जलन, खांसी, गले में इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी और साइनस का खतरा बढ़ जाता है। कामकाजी लोगों को घर से निकलना मजबूरी है, ऐसे में वायु प्रदूषण से बचने के लिए N95 या N99 जैसे अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें। इससे आपकी सांस के साथ PM2.5 के जाने की गुंजाइश नहीं रहती। मास्क को बार बार बदलते रहें। डॉक्टर अस्थमा से पीड़ित लोगों को नियमित तौर पर इनहेलर इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। वहीं स्मॉग के चलते सुबह की सैर सपाटे से भी बचें। ये कुछ ऐसे सामान्य उपाय हैं जो आपको एयर पॉल्यूशन के खतरे से दूर रखने में मदद कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।